मोदी राज में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरें आती ही रहती हैं। खासकर विपक्ष हमेशा से ही बीजेपी पर ईवीएम में घोटाला कर सत्ता में आने के आरोप लगाता आया है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष को ईवीएम में खेला होने की चिंता सता रही है और इस चिंता में अब विपक्ष ने ईवीएम की पहरेदारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक ईवीएम की पहरेदारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सभी की नजरें हैं बचे हुए 2 चरणों पर। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हो चुके हैं। ऐसे में अब सभी को इंतजार है 10 मार्च का, यानी चुनाव के नतीजों का। नतीजों में किसी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए विपक्ष पूरी तरह सतर्क है और निष्पक्ष मतगणना हो, इसके लिए अलग अलग रणनीति अपना रहा है। कांग्रेस हो या सपा, अपने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस ईवीएम की पहरेदारी कर रही है तो यूपी में जिम्मा कांग्रेस के साथ सपा ने भी उठा लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सपा गठबंधन के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से अपील की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अखिलेश ने लिखा, लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित ईवीएम स्ट्रांग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो सभी जगह ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस भी कोई चूक करती नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस ने तो इसके लिए अलग ही रास्ता निकाला है। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस ने उत्तराखंड में स्ट्रांग रूम के बाहर ही डेरा डाल दिया है और पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस कर्मियों के मुताबिक रोजाना प्रत्याशी या उनके अधिकृत किए गए कार्यकर्ता सीसीटीवी फुटेज चेक करने आते रहते हैं। इसके अलावा जो 2 कांग्रेस कार्यकर्ता यहां ठहरे हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट से अनुमति ली हुई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।